हाय, मैं हूँ ईशा कंसारा और आप मुझे देख रहे हैं देसी फीड चैनल पर। आज मैं एक गेमिंग अवार्ड्स की नाइट हो रही है जिसके लिए मैं वहाँ पे अवार्ड प्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं इतनी सुंदर से तैयार हुई हूँ। वापस अभी मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने आप पे, कुछ काम कर रही हूँ अपने आप में, ताकि जो काम मैं अब तक कर पाई हूँ उससे और बेहतर काम कर पाऊँ। सो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए मुझे अपने फैंस से और मेरे लिए भी, सो दैट हम मोनोटोनस ना हो जाए। इतने साल टीवी में काम करने के बाद सॉर्ट ऑफ आप एक तरह का काम कर रहे हो, तो आप थोड़े सेम टू सेम हर चीज़ में आप ढह जाते हो, वो मुझे नहीं करना है। तो अभी आई एम जस्ट ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एवरी डे, बीट माई लुक्स, बीट माई फिटनेस, बीट माई क्लोथ्स और कैरेक्टर्स। आई एम गिविंग ऑडिशंस, लुक टेस्ट फॉर बेटर प्रोजेक्ट्स की जो मेरे प्रोफाइल को और थोड़ा एक स्टेप अप दे सके। सो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। ओ यस, फिल्टर कॉपी हैज़ ऑलवेज बीन एक्चुअली माई फेवरेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम मुझे याद है मैं 12th स्टैंडर्ड से या उसके बाद से फेसबुक में वो वीडियोज़ आते थे। अभी तो बहुत बड़ा चैनल हो गया है, बट जब वो वीडियोज़ आते थे तब बहुत हम रिलेट करते थे। एंड आई ऑलवेज़ यूज़ टू थिंक कि मुझे यार कभी कुछ ऐसा कॉन्टेंट करना है जो मैं एक्चुअली रियल लाइफ में महसूस करती हूँ। तो फिल्टर कॉपी इज़ वन सच प्लेटफॉर्म एंड दे बीन स्वीट इनफ टू कॉल मी एवरी टाइम एंड आई एम never able to say a no to them because हर एक स्क्रिप्ट जो आती है वो बहुत ही इतनी प्यारी सी सुंदर सी होती है, और इतना टीवी पे ड्रामा करने के बाद, फिल्म्स में ड्रामा करने के बाद आपको एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर चाहिए, जो मुझे फिल्टर कॉपी से मिलता है। सो आई कीप लविंग इट। ऑफकोर्स इफ दे कॉल मी फॉर एनी थिंग आई विल बी ओपन टू दैट, एंड अभी तो कुछ नहीं है, बट आई लाइक गिविंग सरप्राइजेस। तो जब कोई नया प्रोजेक्ट मेरी ज़िंदगी में आता है तो आई लाइक टू कीप इट अ सीक्रेट, एंड जब वो फुल धमाके के साथ तैयार हो जाता है तब मैं उसे अनाउंस करती हूँ। थैंक यू। अपने फैंस से यही कहूँगी कि जिस ईशा को आपने इतना सारा प्यार दिया है इतने सारे सालों तक, मैडम सर को इतना अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा प्यार मिला, एंड मेरे हर एक ऑफ बीट कैरेक्टर को आपने बहुत अच्छे से अपनाया है, बस उसी तरह से मुझे ये बहुत मोटिवेशन देता है जब फैंस आपके किसी कैरेक्टर को इतने अच्छे से सराहती है एंड हम और हार्डवर्क कर सकते हैं उस चीज़ पर। सो मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि बस थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, क्योंकि ईशा कंसारा बहुत जल्द वापस आएगी।